डियर स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट मिड्यूल है उसमें बात की थी अप्लाइड रिसर्च क्या है और इस मड्यूल में हम बात करेंगे कि अप्लाइड रिसर्च कितने टाइप्स की होती है तो अप्लाइड रिसर्च को हम तीन तरह से कंडक्ट करते हैं या इसकी तीन टाइप्स होती है अवेलुएशन रिसर्च एक्शन रिसर्च और सोशल इम्पैक्ट असमेंट रिसर्च आइए अब देखते हैं कि जो है अवेलुएशन रिसर्च क्या है अवेलुएशन रिसर्च इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च

रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो प्रोग्राम चल रहे हैं इसी तरह जो है सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो इनकी इफ़ेक्टिवनीस देखने को जो स्टडीज़ होंगी उसको हम अवेलुशन स्टडीज़ कहेंगे इसी तरह अम्यूनिजेशन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप्स और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही हैं तो इनकी भी जो हम अगर अफेक्टिवनेस देखेंगे यूजफुलनेस देखेंगे तो वो जो स्टडीज़ होंगी उसको हम अवेलुएशन रिसर्च कहेंगे तो अवेलुएशन रिसर्च जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कंडक्ट नहीं करती वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कंडक्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू एनालाइज़ द इम्पैक्ट ऑफ एडवोकेसी कम्पेन ऑन अ पर्टिकुलर इशू और अ पॉलिसी जैसे हमारी कम्युनिटी में uh, जो है चाइल्ड अब्यूज़ बहुत बढ़ गया है तो उसके ऊपर एक uh, पिछले दिनों में एक जैनब अथॉरिटी uh, बनाई गई है जैनब अलर्ट बिल एक लाया गया है पार्लियामेंट में अब उसके ऊपर लोगों की क्या राय है और लोग उसको कितना यूज़फुल समझते हैं तो उसके ऊपर जो स्टडी होगी उसको भी हम एवेलुएशन स्टडी कहेंगे और इसी तरह जो ट्रांसजेंडर एक्ट अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट ने पास किया है तो उसके ऊपर उसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर जो स्टडी होगी तो उसको भी हम एवेलुएशन रिसर्च ही कहेंगे अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अवेलुएशन रिसर्च जो है वो नाइन्टीन सिक्सटी में आ, इस स्टार्ट हुई जब यू एस ए की फेडरल गवर्नमेंट ने जो वेरियस सोशल प्रोग्राम्स हैं उनको अवेलुएट करना शुरू किया और इसकी आ, जो है अफेक्टिवनेस की बेसिस पे नाइनटीन सेवेंटी में जो है यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है कि कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है या सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है उसमें अवेलुएशन स्टडीज़ को कंपलसरी करार दे दिया गया था अवेलुएशन जो है हम दो तरीके से करते हैं एक फॉर्मेटिव एवेलुएशन होती है और एक सबेटिव एवेलुएशन होती है तो फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो होती है उसमें जो है आपका जो अवेलुएशन का मैकेनिज्म है वो बिल्ट इन होता है प्रोग्राम के अंदर और ये मॉनिटर करता है प्रोग्राम को और कंटिन्यूसली फीडबैक देता है प्रोग्राम मैनेजमेंट को और इस तरह की जो स्टडी होती है जो फॉर्मेटिव अवेलुएशन की बेस पे होती है ये बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में होती है, और बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में होती है जो कि लार्ज स्केल के, के हों जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो और जिसका जिसके ऊपर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई हुई हो और दूसरी इसकी टाइप है सबमिटिव अवेलुशन सबमिटिव एवेलेशन में हम एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रिव्यू करते हैं जो है उस प्रोजेक्ट की आउटकम्स को और उसकी अफक्टिवनेस को जज करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की स्टडीज़ हम तब करते हैं जब आपका जो है प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट टाइम पीरियड का हो उसका स्कोप छोटा हो और उसकी में जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो कम हुई हो तो इस बेसिस पे हमने ये देखा है कि अवेलुएशन दो तरह की होती है फॉर्मेटिव अवेलुएशन एंड सबेटिव एवेलुएशन